हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं मेवा का दूध। तो अगर आपके भी पैरों में, जोड़ों में या कमर में दर्द रहता है तो आप बादाम, काजू, मखाने का दूध अच्छे से बॉईल करके डेली पी सकते हैं। डेली बेसिस पर मखाने और काजू बादाम का दूध पीने से आपके जोड़े में दर्द कम होगा और साथ के साथ आपके शरीर में गर्मी भी बनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बादाम काट कर ले लिए हैं और ये काजू हमने काट लिए हैं टुकड़े और ये मखाने। अब ये दूध बॉईल किया हुआ लिया है, अब इसमें हम मखाने, काजू और बादाम डाल देंगे और अच्छे से बॉईल करेंगे और दूध को चलाते हुए अच्छे से बॉईल करेंगे। बिल्कुल स्लो गैस पर तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा दूध बॉईल हो चुका है। ये देखिए, तो फ्रेंड ये हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चीनी की जगह बूरा यूज़ करेंगे। बूरा हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि चीनी की तासीर ठंडी होती है और बूरा गर्म रहता है, तो हम यहाँ बूरे का यूज़ करेंगे और आप भी बूरे का ही यूज़ करें अगर आपको गर्म चाहिए तो। और नहीं है अगर आपके यहाँ बूरा तो आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप बूरे का या तगार का यूज़ करें। यहाँ हम मग में दूध करेंगे। और ये जो हमारी मेवा बची है वो भी इस मग में डाल देंगे। तो फ्रेंड में गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप ये एक कप या एक गिलास दूध रोज़ सेवन करेंगे इस दूध का, तो आप में एनर्जी भी आएगी और ब्लड की समस्या है जैसे खून की कमी है तो वो भी आप में नहीं रहेगी, और दर्द है जैसे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द या सर में दर्द, तो वो भी आपको नहीं रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका दर्द कम हुआ या नहीं हुआ, आपका वीकनेस जो है वो कम हुआ या नहीं हुआ।